जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों न्यूज़ है, जो दोस्तों आप सबको हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो यानी दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 तो एमआर सीट पर परीक्षा देंगे 10वीं के छात्र। दो भागों में होगा प्रश्न पत्र, यानी दोस्तों आज आपको हम बता दें लाइव प्रूफ दोस्तों आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों दो भागों में आपको प्रश्न पत्र देना होगा। कितने भागों में मेरे प्यारे बच्चों? आप सबको दो भागों में। इसका दोस्तों हम लाइव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका हम आप सबको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल लाइव। दोस्तों आप सब इसको देखिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा, हम दोस्तों एक भी दोस्तों कहीं भी मिस नहीं होने देंगे, सारा दोस्तों अपडेट देंगे। वजह क्या था दोस्तों इसको परिवर्तित करने का, यह भी दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल नजर जमाए रखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा दोस्तों, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया गया, कब ये दोस्तों नियम आया था, कब यह लागू किया गया, क्यों अभी तक नहीं किया गया था, सब दोस्तों इन्फॉर्मेशन हम देंगे, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम आप सबको बताते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं और दोस्तों बताते हैं, जैसा कि आप सब यहाँ पे देखेंगे लिखा है दोस्तों यूपी बोर्ड 2023 में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा में ओएमआर सीट का भी उपयोग होगा दोस्तों, यानी उसका भी उपयोग होगा जो ओएमआर सीट होता है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 10वीं के छात्र छात्राओं को सामान्य उत्तर पुस्तिका के साथ ही ओएमआर सीट भी दी जाएगी। यानी दोस्तों आप सबको बता दें, बच्चे का दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे आप लोगों का एक थिंकिंग आएगी कि क्या हमारा पूरा पेपर ओएमआर सीट पर ही होगा? नहीं दोस्तों, और उसमें दोस्तों दो आपको, एक दोस्तों उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उसमें दोस्तों एक आपका उत्तर पुस्तिका और एक आपका क्या होगा दोस्तों, आपका ओएमआर सीट होगा। अब दोस्तों कितने नंबर का ओएमआर सीट होगा, कितने नंबर का आपका उत्तर पुस्तिका होगा दोस्तों, अब यह बात करेंगे, अच्छे से आपको हम बताएंगे दोस्तों। जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं दोस्तों अपना जो आया हुआ है यह न्यूज अपडेट दोस्तों वो पूरा अच्छे से पढ़ रही है, देख रही है दोस्तों। अब आइए हम आपको थोड़ा आगे बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ पे देखिए, UPMSP यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, यूपी बोर्ड 2023 में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा यूपी बोर्ड 10th एग्जाम 2023 में ओएमआर सीट का भी उपयोग होगा, यानी करेगा। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 10वीं के छात्र छात्राओं को समान उत्तर पुस्तिका के साथ ही ओएमआर सीट भी दी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों आपको ओएमआर सीट भी दी जाएगी। अब दोस्तों हम थोड़ा बात कर लें, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, अब देखिएगा दोस्तों यहीं पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी दोस्तों आप सबको हम थोड़ा यहाँ पे बता दें दोस्तों, जो शिक्षा नीति थी 2020 में लागू कर दी गई थी, 2020 से दोस्तों यह नीति लागू किया गया था, लेकिन दोस्तों आपका यूपी बोर्ड दोस्तों अब जाके दोस्तों उसको मान्यता दिया या दोस्तों उसको लागू किया, आप कह सकते हैं दोस्तों मान्यता तो पहले था क्योंकि दोस्तों पहले ही 2020 में ही लागू हो गया था, लेकिन दोस्तों यूपी बोर्ड नहीं अमल में लिया था दोस्तों, इस बार उसने लिया, क्योंकि दोस्तों एकाएक कोई भी चीज़ें नहीं होती है, धीरे धीरे चीज़ें होती है दोस्तों, तो यूपी बोर्ड ने इस बार पूरी तैयारी के साथ अपना क्या किया दोस्तों, अपडेट कर दिया है दोस्तों। अब क्या करेगा दोस्तों, आपको ओएमआर भी सीट देगा पेपर में, इस बार वो दोस्तों आपका पेपर होने वाला जो उसमें दोस्तों आपको ओएमआर सीट भी मिलेगा। अब दोस्तों आइए थोड़ा हम आगे पढ़ लेते हैं इसको दोस्तों, अच्छे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड यह बदलाव करने जा रहा है, इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है दोस्तों। तैयारियां जो होती है ओएमआर सीट दोस्तों उत्तर पुस्तिका के साथ तैयारियां पूरी तरह से हो गई है दोस्तों। अब आपको बता दें 70 अंकों की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र को दो भागों में, ध्यान दीजिएगा, दो भागों में बांटा जाएगा दोस्तों, दो पेपर में होगा, याद रखिएगा आप सब मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको दो पेपर देना होगा, उसमें दोस्तों एक ओएमआर पे सीट पे देना होगा, एक दोस्तों आपको किस पे देना होगा, आपको उत्तर पुस्तिका पे देना होगा दोस्तों। 70 नंबर का जैसा कि पेपर होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है, आप सब जानते हो। अब दोस्तों आप सबको बता दें, 30 नंबर में दोस्तों जो होता है प्रैक्टिकल, उसको तो आप सब निकाल दीजिए, यह दोस्तों आपका 30 नंबर चला गया प्रैक्टिकल का, ठीक है। अब आप सबको बता दें ये दोस्तों प्रैक्टिकल में चला गया। अब दोस्तों आपका बचता है क्या, पहला दोस्तों आपका 50 नंबर का होगा उत्तर पुस्तिका का, ध्यान दीजिएगा 50 नंबर उत्तर पुस्तिका का होगा, और दोस्तों 20 नंबर जो होगा वह दोस्तों ओएमआर सीट का होगा, ठीक है, ओएमआर दोस्तों सीट का होगा, यह आप ध्यान दीजिएगा, कितना 20 नंबर ओएमआर सीट से दोस्तों, और यह 50 नंबर उत्तर पुस्तिका से। तो आप सब देख लीजिएगा दोस्तों, ओएमआर सीट भी यानी ऑब्जेक्टिव आपका 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से आप सब समझ सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा आगे आपको बताते हैं, जो कि दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे भी है, प्रश्न पत्र के लगभग 30% यानी 20 अंक, ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी बताया, 20 अंक का प्रथम भाग बहुविकल्पीय मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो ओएमआर सीट पर भरा जाएगा, जिसका उत्तर परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट पर देना होगा। अब दोस्तों देखिएगा थोड़ा सा, दूसरा भाग जो होगा वह दोस्तों क्या होगा, वह लगभग 70% या 50 अंक का होगा। 70% मतलब होता है दोस्तों कि उत्तर पुस्तिका के लिए पूरा पहले 70% था दोस्तों, उसमें दोस्तों आप सबका अब आ गया है 20 नंबर चला गया सीधे आपका ओएमआर सीट पे, अब दोस्तों बच्चा का 50 यानी 50
क्वेश्चन दोस्तों, जो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो आपको उत्तर पुस्तिका पे देना पड़ेगा, उसका वर्णन उत्तर पुस्तिका पे देना होगा। अब देखिएगा, इसके उत्तर पहले की तरह पारंपरिक कॉपी पर देने होंगे, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में ध्यान दीजिएगा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट आ गया, क्या इस प्रश्न पत्र में किसकी CISCE की तरह, यानी दोस्तों CISCE की तरह दोस्तों आपका क्या होगा, उच्च स्तर का चिंतन, यानी दोस्तों देखिएगा आपका उच्चतर चिंतन का कौशल से संबंधित प्रश्न भी देखे जाएंगे। यानी दोस्तों जो OMR सीट का दोस्तों क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों, वह दोस्तों कैसा होगा, वह दोस्तों उच्चतर चिंतन का होगा, यानी दोस्तों थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग का दोस्तों क्वेश्चन रहेगा। आप सबकी दोस्तों थिंकिंग वहाँ पे चेक की जाएगी कि आप सब अच्छे से सोच पाते हो कि नहीं। अच्छे से दोस्तों सोच पाओगे तो वहाँ पे आप रिप्लाई अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। यानी दोस्तों आप अपना आंसर कर पाओगे। इस बार दोस्तों थोड़ा सा पेपर आपका क्या होगा, टफ होने वाला है। यानी दोस्तों आप सब अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, यदि नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से करिए, आप शुरू कर दीजिए दोस्तों, देर ही ना करिए। देर करेंगे दोस्तों आप सब बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कंपार्टमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो आप सब बस वही रोएंगे, ठीक है। तो आप सब दोस्तों बिल्कुल कंपार्टमेंट ना लगने पाए, इसलिए दोस्तों अच्छे से तैयारी करिएगा। एग्जाम रोड लगातार अब दोस्तों आप सबकी तैयारी करा रहा है, अब अच्छे से आप सब मेहनत करके पढ़िए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। तो आए दोस्तों आज की वीडियो में, इतना ही। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबका दिल के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।